हेलो बच्चों आज हम क्लास सिक्स के साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स इसके आज हम कुछ जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं वो उठाएंगे उनको हम मैं उन सवालों का ज, जो जवाब है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो पहला जो सवाल है वो है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट दैम इन योर नोटबुक कह रहे हैं कि जो हाँ आगे जो बातें बताई गई हैं बताई जाएंगी उनको आप सही करिए और उनको जो सही जवाब है वो अपनी कॉपी पे लिखिए तो पहला जो सवाल है स्टेम्स एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल कहने कहने का मतलब है जो तना होता है किसी पे पौधे पो, का या पेड़ का वो पानी को चूसता है जजब कर लेता है और साथ ही साथ जो उसके मिनरल्स हैं उनको भी करता है ज़मीन से मगर ज़मीन से ज़मीन के साथ तो स्टेम जो होती है या तना होता है वो कनेक्ट नहीं होता है ज़मीन के साथ क्या होती है जड़ें होती हैं तो ये गलत है और इसका सही जो है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल जो जड़ें हैं वो ज़मीन से पानी को सोखती हैं एब्ज़ॉर्ब करती हैं और साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्व करती है तो सही जवाब ये है दूसरा जो आता है वो है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट जो जो पत्ते हैं वो एक पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं तो पत्ते रखते हैं कि कुछ और रखते हैं एक स्टेम रखते हैं तो तना जो होता है किसी पेड़ का वो एक प्लांट को एक पौधे को खड़ा रखता है जैसे इंसान इंसान को खड़ा कौन रखता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही प्लांट्स का स्टेम होता है रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स जो रूट्स है वो पानी जो है वो पौधों तक पहुंचाते हैं तो रूट्स तो प्लांट्स जो पत्ते हैं जो वो रूट्स के साथ तो कनेक्ट होते हैं नहीं है तो वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं वो स्टेम के साथ होते हैं तो स्टेम जो है वो पानी ले जाते हैं पत्तों की तरफ uh, फिर जो चौथा है नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन फ्लावर इज़ ऑलवेज इक्वल जो एक फूल होता है उसमें जो पेटल्स होते हैं और सेपल्स होते हैं वो बराबर होते हैं बराबर मतलब कि हमें इसका कहने का मतलब हमेशा बराबर होता है जितने पेटल्स होंगे उतने ही सेपल्स होंगे मगर ये पॉसिबल नहीं हर बार ऐसा नहीं होता है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल वो हमेशा बराबर नहीं होते हैं फिर अगला जो है इफ़ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर आल्सो जॉइंट टुगेदर कह रहे हैं कि अगर किसी फूल का अगर फूल आप किसी फूल के जो सेपल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हों तो आ, उसके जो पेटल्स हैं वो भी आपस में जुड़े होते हैं तो मगर ऐसा नहीं होता है इसको सही जवाब है इफ़ द पेटल्स इफ़ द सेपल्स ऑफ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंट टुगेदर यानी जो सेपल्स है अगर किसी फूल के आपस में जुड़े हों तो उसके जो पेटल्स हैं अलग होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते हैं फिर अगला स्टेटमेंट क्या है इफ़ द पैटल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन पिस्टल इज जॉइंट टू द पैटल कह रहा है कि अगर कि पैटल अगर किसी फूल के जो पैटल्स होते हैं वो अगर आपस में जुड़े होते हैं तो उसके जो पिस्टल है वो आपस में जुड़े होते हैं तो इसका सही जवाब क्या है uh, if the petals ऑफ ए फ्लावर्स फ्लावर are joined together then द पिस्टल इज नॉट necessarily joined टू द petal कह रहा है कि अगर पेटल किसी किसी फूल के जो पेटल है आपस में जुड़े हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जो पेटल्स हैं वो भी आपस में जुड़े हो गए तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थे क्वेश्चन नंबर वन के जिनको मैंने आपका आंसर दिया आप अपनी कापी पर आराम से ईजीली लिख सकते हैं फिर जो अगला सवाल आता है वो है कुछ सवाल नंबर दो वो कुछ खास है नहीं आपको थोड़ा ड्राइंग अगर अच्छी आती है तो उसके लिए है। वो है कि ड्रॉ ए लीफ ए टैप रूट ए फ्लावर यूस यू, यू हैव स्टडीड फ्रॉम टेबल सेवन पॉइंट थ्री आपकी बुक में एक टेबल सेवन पॉइंट थ्री है उसमें कह रहे हैं कि आपको एक पत्ता बनाना है एक टैप रूट का डायग्राम बनाना है साथ ही साथ एक फूल का डाइग्राम बनाना है फ्लावर का तो जो पत्ता है कुछ इस तरह आपको डिज़ाइन में आएगा जो आप पत्ता देखते हैं आप कुछ इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं उसकी ठीक है तो फिर इसको ये लीफ है देन ये जो है ये टैप रूट है आप इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप देखिए मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं आप इस टैप रूट को फिर जो आखिर में है वो एक फूल है ये आप पहचान ही रहे होंगे ये फूल ये गुलाब का फूल है जो आपके लिए बनाया है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं गुलाब ज़रूरी नहीं है इतना कॉम्प्लेक्स बनाना आप सिंपल वाला भी बना सकते हैं ठीक है तो यह आपको क्वेश्चन में पूछा है तो मैंने सोचा आपको बता दूँ वैसे ये सब तो आपको पता ही होगा चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल है कैन यू फाइंड ए प्लांट इन इन योर इन योर नेबरहुड व्हिच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम राइट कैटेगरी वुड यू क्या आप ऐसे पौधे का नाम बता सकते हैं जो आप अपने घर में या अपने पड़ोस में देखते हो जिसकी जो स्टेम है, है उसको काफी कमजोर होती है और उसका नाम बताएं और आप उसको किस कैटेगरी में रखते हो तो मनी प्लांट हैज ए लिंग बट वीक सिस्टम मनी प्लांट का जो है वो काफ़ी कमज़ोर सिस्टम है वो हम अड़ोस पड़ोस में देखते ही हैं और हम इसको किस में क्लासीफाई करते हैं इट इज़ ए क्लाइंबर क्लाइंबर क्या हो गे? जो ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं क्लाइंबर का मतलब क्लाइंब मतलब चढ़ना तो मनी प्लांट कैसा होता है कुछ इस तरह से तो आपने देखा ही होगा आम तौर लोगों के घरों पे या अपने घरों पर घर पे होगा तो ये एक मनी प्लांट है ठीक है तो आज हम सिर्फ तीन सवाल करेंगे आगे के सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आए होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद ज़रूर करेंगे थैंक यू सो मच